दोस्तों, हर साल की तरह ही इस साल भी वो समय आ गया है जब इंडिया का सबसे एंटरटेनिंग रियलिटी शो बिग बॉस शुरू होता है। और इस शो से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज और इसके होस्ट सलमान खान की वजह से इस शो की टीआरपी हमेशा सबसे ऊपर ही रहती है। इस शो में 90 से ज्यादा कैमरा होने की वजह से फैंस को बहुत हद तक इस शो के बारे में सब पता होता है, लेकिन फिर भी ऐसी कई बातें हैं इस शो के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिग बॉस से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अब तक नहीं पता होंगी। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि इस शो के जीतने पर 50 लाख रुपए का इनाम मिलता है, पर क्या आपको ये पता है कि सिर्फ शो में एंट्री लेने के लिए हर कंटेस्टेंट को 8 लाख रुपए मिलते हैं और 2 हफ्ते पूरे होने के बाद सभी कंटेस्टेंट्स को एक वीकली फी भी मिलती है। ये फी पूरी तरह कंटेस्टेंट की पॉपुलैरिटी पर निर्भर करती है और कई बार तो इसी वजह से पॉपुलर सेलेब्स इस शो में विनर से ज्यादा पैसे कमा जाते हैं। पिछले सीजन की बात करें तो शिल्पा शिंदे ने शो जीतकर पूरे 1.3 करोड़ की कमाई करी। वहीं दूसरी तरफ हीना खान बिना जीते ही 1.7 करोड़ घर ले गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी जगत में हीना खान शिल्पा शिंदे से कई ज्यादा फेमस हैं और इसी वजह से उनकी वीकली फीस भी बहुत ज्यादा थी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि द ग्रेट खली जब सीजन 4 का हिस्सा बने थे तब उन्हें हर हफ्ते के 50 लाख रुपए मिलते थे। अगर आप बिग बॉस के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इस घर में बहुत सारे शीशे हैं, पर आपको इनकी वजह नहीं पता होगी। इन शीशों की दूसरी तरफ कैमरामैन होते हैं जो हमेशा किसी कॉन्ट्रोवर्शियल फुटेज का इंतजार करते रहते हैं। घर में बाहरी कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि आप अपने धर्म की होली बुक भी अंदर नहीं ले जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि शो के प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते कि कंटेस्टेंट्स किताबें पढ़ने में समय बिताएं, क्योंकि उससे घर में हो रही कॉन्ट्रोवर्सीज कम हो जाएंगी और उनकी टीआरपी पे फर्क पड़ेगा। बिग बॉस के इतने बड़े घर में एक भी जगह समय देखने के लिए घड़ी नहीं है, जिसकी वजह से कंटेस्टेंट्स टाइम का ट्रैक नहीं रख पाते और कोई रेगुलर शेड्यूल मेंटेन नहीं रह पाता। और कई बार तो सभी सदस्य शाम के 4 बजे लंच करते हैं। अगर कोई भी कंटेस्टेंट शो के बीच में ही शो क्विट करता है तो उसको फाइन के तौर पर एक हेवी अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि 2 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। आप सभी सोचते होंगे कि इतने सालों से बिग बॉस की आवाज के पीछे कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से अभी तक अतुल कपूर ही हर वर्ष बिग बॉस को आवाज देते हैं। यूं तो इस शो में कई लोग नफरत और कड़वाहट का शिकार होते हैं और खुद को नॉमिनेट करवा बैठते हैं, पर फिर भी हम सभी के चहीते नवजोत सिंह सिद्धू इस शो में बिना नॉमिनेट हुए सबसे लंबे समय तक टिके थे और बाद में उनका एलिमिनेशन किसी पर्सनल रीजन की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के आखिरी फैक्ट पर। आज तक शो में कई दमदार वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो को जीत नहीं सका। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट पर बायोग्राफी बनाएं तो आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं।